This is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am going to discuss the sixth chapter of English NCRT standard 9th book beehive The name of the chapter is My Childhood. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Mirajan ek Madhyam Vargiya Tamil Parivarme. मद्रास के रामेश्वरम में हुआ था माई फादर जैनलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ मेरे पिता जैनलाब्दीन के पास ना तो औपचारिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी ना ही उनके पास अत्यधिक धन था डिस्पाइट दीज डिसवानस ही पजेज ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट इन सभी कमियों के बावजूद भी उन्हें वो काफ़ी बुद्धिमान थे और साथ ही साथ उनके अंदर उदारता की भावना थी ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियाम्मा उनके साथ एक आदर्श साथी मेरी माँ आशियाम्मा थी आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस ऑल द दम्बर्स ऑफ आर ओन फैमिली पुट टुगेदर मुझे ये तो ठीक तरह से याद नहीं कि वो प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन कराती थी लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे परिवार के जितने सदस्य थे उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग हमारे यहाँ भोजन किया करते थे आई वॉज़ वन ऑफ माई आई वॉज़ वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन अ शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स बॉन टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स मैं अपने माता पिता के कई बच्चों में से कई संतानों में से एक था मेरी हाइट काफ़ी छोटी थी मैं छोटा सा था दिखने में अच्छा नहीं था और मेरे माता पिता काफ़ी लंबे और दिखने में अच्छे थे वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ द नाइन्टीन सेंचुरी हम लोग अपने पैतृक घर में रहते थे जो कि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के दौरान मध्यकाल के दौरान बनाया गया था इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम मेरा घर जो था ये एक बड़ा सा पक्का घर था जो लाइम स्टोन और ब्रिक से बना हुआ था और ये रामेश्वरम की मस्जिद गली में था माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज मेरे पिता जो कि काफ़ी सिंपल साधारण से थे साथ ही साथ वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो सभी इनसेन्शियल गैर जरूरी जो आराम की वस्तुएं थी चीज़ें थी उन सभी को वो अवॉइड करते थे हावेवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लोथ्स लेकिन इसके बावजूद भी जो भी ज़रूरी चीज़ें थी जैसे कि दवाइयाँ कपड़े भोजन ये सारी चीज़ें मुहैया कराते थे वो इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड हुड बट मटेरियली एंड इमोशनली सॉरी बोथ मटेरियली एंड इमोशनली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो काफ़ी सुरक्षित था खास करके अगर मैं बात मटेरियल्स के मामले में चीज़ों सामानों के मामले में कहूँ या फिर भावनात्मक रूप से कहूँ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट इन नाइनटीन थर्टी नाइन वेन आई वॉज एट ईयर्स ओल्ड द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो उन्नीस में शुरू हो गया जब मैं केवल आठ वर्ष का था फॉर रिजन आई अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कारण था क्या क्या था इस युद्ध के पीछे क्या कारण था लेकिन एकाएक एक, पूरे बाजार में टैमरिंड के जो सीड्स थे इमली के जो बीज थे उनकी मांग बढ़ गई आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट मैं बीजों को इकट्ठा करता था और मस्जिद गली की एक दुकान में बेच देता था अ डेज कलेक्शन वुड princely मी द one आना पूरे दिन का जो कलेक्शन होता था बीजों का उन्हें बेचने के बाद मुझे एक आना मिल जाता था जो मेरे लिए उस समय एक राजकुमार के इनकम से कम नहीं था मेरे लिए My ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज़ अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू फ्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मनी मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे जो मेरे जीजा जी थे जलालुद्दीन वो मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे और बाद में मैं दीना मनी में उनके उन्हें समझने की कोशिश करता था दीना मनी के हेडलाइंस को पढ़ के और एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनफेक्टेड बाई द वॉर हमारा जो एरिया था जहाँ मैं रहता था वो बिल्कुल अलग थलग था जिसकी वजह से हमें युद्ध में क्या हो रहा है उसके प्रभावों से हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे बट सून इंडिया वॉज़ फोर्स टू ज्वाइन द अलीट फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड लेकिन तुरंत ही भारत को भी इस युद्ध में एलिट फोर्सेस की तरफ से लड़ने के लिए मना लिया गया और तुरंत ही पूरे राष्ट्र में पूरे देश में एमरजेंसी की स्थिति हो गई द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन सबसे पहली जो चीज़ हमें देखने को मिली वो ये थी कि रामेश्वर रामेश्वरम जो स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुष कोडी अब न्यूज पेपर्स जो कि ट्रेन से ही आते थे उन्हें बंडल बना के रामेश्वरम से धनुष कोडी के बीच में ही चलती हुई ट्रेन से फेंका जाना था दैट forced my कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड newspapers in इन रामेश्वरम टू लुक फॉर helping हैंड टू catch द बंडल्स एंड एज इफ naturally, आई filled द स्लॉट इसी की वजह से मेरे जो चचेरे भाई शमसुद्दीन थे उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी एक ऐसे सहायक की ज़रूरत पड़ी जो इन फेंके गए न्यूज़पेपर्स को इकट्ठा करे, और वहाँ सहज रूप से मैं ही इस कार्य के लिए उपलब्ध हो पाया शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। शमशुद्दीन ही वो पहले व्यक्ति थे जिनकी वजह से मैंने अपनी पहली कमाई की हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम लगभग आधी शताब्दी बीत चुकी है पचास वर्ष का समय वर्षों का समय बीत चुका है लेकिन फिर भी आज मैं उस गर्व को महसूस कर पा रहा हूँ जो मुझे उस वक्त हुआ था जब मैंने अपनी पहली कमाई की थी एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वामेंट एंड ट्रेन इन सर्टन वेज बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी हर बच्चा अपने कुछ खास पैतृक गुणों के साथ जन्म लेता है इसके अलावा वो अपने सामाजिक आर्थिक जो उसका इन्वामेंट होता है परिवेश होता है उसमें वो धीरे धीरे शेपअप होता है आई इन्ेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर मैंने अपने पिता से ईमानदारी और स्व अनुशासन सीखा फ्रॉम माई मदर आई इन्हेरिटेड फेद इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सोड इट माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैंने अपनी माता जी से गुडनेस अच्छाई और दयालुता का भाव सीखा जैसा कि मेरे तीन भाई बहनों ने भी सीखा आई है थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्ड हुड मेरे बचपन में मेरे तीन अभिन मित्र थे जिसमें रामानाथा शास्त्री आ, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज ये जो तीनों लड़के थे ये तीनों के तीनों रूढ़ीवादी ब्राह्मण परिवार से थे हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्व बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफ्रेंसेज एंड अपब्रिंगिंग बच्चों के रूप में बच्चों के तौर पे हमें कभी भी आपस में एक दूसरे के बीच भेदभाव या अंतर का पता नहीं चला ना ही हमारे अपब्रिंगिंग में हमारे बड़े होने में हमारे पालन पोषण में हमें किसी भी प्रकार का अंतर नजर आया इनफैक्ट रामानंद शास्त्री द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाइएस्ट हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरन टेम्पल बल्कि रामानाथ शास्त्री जो थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे जो कि रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रिस्ट थे मुख्य पुजारी के रूप में थे रामेश्वरम बाद में वो रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य पुजारी बन गए फ्रॉम हिज फादर अरविंदन सॉरी फ्रॉम हिज फादर मतलब रामादास शास्त्री जो थे वो बाद में अपने पिता के स्थान पे रामेश्वरम टेम्पल के हेड बन गए मुख्य पुजारी बन गए अरविंदन वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रम्स एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदन रेलवेज अरविंदन जो थे वो अपने बिजनेस में रंग गए जिसमें कि वो पिलग्रम्स के लिए जो तीर्थ करने वाले यात्री आया करते थे उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का अरेंजमेंट करने का काम करने लगे और शिव प्रकाशन जो थे वो दक्षिणी रेलवे में कैटरिंग का काम करने लगे

इस पूरे समारोह के लिए बोर्ड्स का अरेंजमेंट करते थे साथ ही साथ उस नाव में ही ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते थे जिसमें भगवान राम की प्रतिमा को रखा जा सके और उन्हें जो शादी का विवाह का जो स्थल चुना गया था जो कि एक पॉन्ड में होता था एक तालाब के बीच में होता था जिसका नाम रामतीर्थ था वहाँ तक उसे ले जाया जा सके और ये तीर्थ नाम का जो स्थल था वो हमारे घर के पास ही था इवेंट्स फ्राम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज़ माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आर फैमिली हमारी माँ और दादी माँ जो हुआ करती थीं वो हमें रात में सोते वक्त भगवान श्री राम रामायण और प्रोफेट मोहम्मद की कहानियाँ सॉरी प्रोफेट की कहानियाँ बताया करती थी पैगम्बर की कहानियाँ बताया करती थीं वन डे वेन आई वॉज इन दिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल केमिनार क्लास एक दिन जब मैं पाँचवीं कक्षा में रामेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था उन दिनों की बात है एक नए शिक्षक हमारे क्लास में आए आई यूज टू wear अ कैप विच marked मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री मैं एक टोपी पहनता था जिससे ये पता चलता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं हमेशा से ही पहली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था हु जो कि उस पवित्र धागे को पहनते थे द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद मुस्लिम बॉय इस नए शिक्षक को ये बात असहज महसूस हुई कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज ए न्यू टीचर सॉइट आई वॉज आस्ट टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच जैसा कि ये नए शिक्षक आए थे इनके हिसाब से सामाजिक रूप से हम दोनों भिन्न थे इसलिए उन्होंने मुझे अंतिम पंक्ति में जाकर बैठने के लिए, के लिए कह दिया आई फील वेरी सैड मुझे बहुत बुरा लगा मैं बहुत उदास हुआ एंड सो डिट रामानाथ शास्त्री और ऐसा ही रामानाथ शास्त्री के साथ भी हुआ He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. मैं जब जाके अपनी सीट पे सबसे पीछे बैठ गया तो वो काफी उदास लग रहे थे। the image, the image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. उनका वो रुआसा चेहरा मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ गया। After school we went home and told our respective parents about the incident. जब स्कूल खत्म हो गया और हम अपने घर गए तो हमने अपने माता पिता को इस बारे में बता दिया लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनक्वालिटी एंड कम्यूनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चाइल चिल्ड्रेन लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने उस शिक्षक को बुला भेजा और हमारे प्रेजेंस में हमारे सामने ही उस शिक्षक को ये हिदायत दी कि वो मासूम बच्चों के मन में जातिवाद या समुदायवाद का जहर ना घोलें ही ब्लंटली the द टीचर टू apologize अपोलोजाइज quit द स्कूल एंड द island। उन्होंने कहा लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को कहा कि या तो वो माफी मांगे या तो तुरंत इस जगह को छोड़ के चला जाए नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हीवियर बट द strong सेंस ऑफ conviction लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली reformed दिस यंग टीचर इस शिक्षक को अपनी इस हरकत में ना सिर्फ पछतावा हुआ बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के ऐसा करने से उस शिक्षक की अपनी जो विचारधारा थी वो भी बदल गई ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एक तरह से कहा जाए तो रामेश्वरम का की जो पूरी सोसाइटी थी जो पूरा समाज था वो धर्म या फिर जाति के आधार पे किसी भी ग्रुप के बंटवारे के पक्ष में नहीं था हावेवर माय साइंस टीचर शिव शिव सुब्रमण्यम अय्यर टू दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल रामेश्वरम के समाज में जहाँ की धार्मिक रूप से ना तो बहुत ज्यादा विभिन्नता के के पक्ष में लोग थे ना ही बहुत ज्यादा इस चीज का लोक समर्थन करते थे वहीं मेरे विज्ञान के शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक रूढ़ीवादी ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी पत्नी काफी रूढ़ीवादी थी वो एक विद्रोही के रूप में थे ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल that सो दैट पीपल फ्रॉम could mingle easily। उन्होंने अपनी बहुत सारी कोशिशें की कि लोग एक दूसरे के साथ अपने सामाजिक बंधनों को तोड़ करके एक दूसरे के साथ मिलकर पूर्ण सौहार्द के साथ रहे कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर वन पर ऑन पर विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ़ द बिग सिटीज वो अक्सर मेरे साथ घंटों वक्त बिताते और मुझसे कहते कि कलाम मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस तरह से विकसित हो इस तरह से बड़े हो शिक्षित हो कि तुम बड़े शहरों के शिक्षित लोगों में तुम्हारा नाम लिया जाए वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया हिज वाइफ वॉज हॉरीफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन हर रिचुअली प्योर किचन उनकी पत्नी जो थी वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी परेशान हो गई थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके एक उनके जैसे एक शुद्ध ब्राह्मण के रसोई घर में जाके भोजन करेगा शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन उन्होंने मुझे अपने किचन में भोजन कराने से इनकार कर दिया शिव सुब्रमण्यम अयर वॉज नॉट परटर्ब नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज़ वाइफ बट इन स्ट्रीट शिव सुब्रमण्यम अयर जो थे वो इस बात से परेशान नहीं हुए ना ही उन्होंने अपनी पत्नी पे नाराजगी जताई बल्कि उन्होंने क्या किया सर्व ओन हैंड्स एंड डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज़ उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए भोजन परोसा स्वयं के लिए भोजन परोसा और मेरे बगल में बैठ के भोजन करने लगे वॉस्ट अस फ्रॉम बिहाइंड किचन डोर उनकी पत्नी जो थी वो किचन के दरवाजे के पीछे से छुप के हमें देख रही थी आई वॉन्टेडर शी है वे आई एट राइस ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील मुझे इस बात में थोड़ा सा आश्चर्य है या संशय है कि शायद उन्हें किसी भी प्रकार की भिन्नता नजर आई होगी मेरे चावल खाने के तरीके में पानी पीने के तरीके में या भोजन करने के बाद उस ज़मीन को साफ करने के तरीके में वेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस Subramanian so, Iyer invited मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। जब मैं उनके घर से आने लगा तो सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह पुनः अपने यहाँ भोजन का न्योता दे दिया। Observing my hesitation, he told me not to get upset saying मेरे हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ यह भी कहा वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कंफ्रंटेड अगर एक बार आपने यह सोच लिया है कि आपको सिस्टम को बदलना है तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा वेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक सुब्रमण्यम अयर्स वाइफ टुक मी इन साइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स जब अगले सप्ताह में सुब्रमण्यम अयर के यहाँ भोजन के लिए गया तो उनकी पत्नी ने स्वयं मुझे अपने किचन में वो ले गई उन्होंने भोजन परोसा और हमें भोजन कराया दिन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमिनेंट इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी उसके बाद द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो गया और गांधी जी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि हम सभी भारतीय मिलकर अपना एक राष्ट्र बनाएंगे द होल कंट्री was फिल्ड विद एन unprecedented optimism, पूरे देश में एक आशा की किरण फैल गई I asked my फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द district headquarters इन रामनाथपुरम उसी समय मैंने अपने पिताजी से यह अनुमति मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़ के अब हेडक्वार्टर्स, जिला के हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में जाके अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड उन्होंने कुछ सोचते हुए मुझसे कहा अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो अबुल मुझे यह पता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें हमसे दूर जाना होगा डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट क्या सीगल उड़ती नहीं है अकेले क्या वो अपना घोंसला छोड़ के निकलती नहीं है ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर उन्होंने मेरी हिचकिचाती हुई माँ को खलील गिब्रान की एक कोटेशन बोलते हुए समझाया यू चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्सल्फ वो यह जीवन जो मिला है इस जीवन के भी वो बेटे और बेटियां हैं उस जीवन के भी वो बच्चे हैं दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू वे तुम्हारे जरिए इस दुनिया में आए हैं इस धरती पे आए हैं ना कि तुम्हारे लिए आए हैं यू मे गिव दम योर लव बट नॉट योर था तुम अपने बच्चों को अपना प्यार दे सकती हो अपनी सोच नहीं फॉर दे हैव देयर ओन था क्योंकि उनके पास उनकी अपनी सोच है ए पी जे अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर फ्रेंड्स अभी हमने ये जो चैप्टर पढ़ा ये एक एक्सट्रैक्ट था जो अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर अग्नि के पंख से लिया गया था आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा ये डिटेल्ड हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शंस वाले आप आराम से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं if you have any problem or any confusion you can you can let me know in the comment section through your comments and if uh, you think there is some uh, improvement required please let me know thank you very much for watching if you like my explanation please share it to your friends subscribe my channel and thank you once again have a good day